और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना पर बूचा और मरियापोल में नरसंहार के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दामन पर दाग लगा दिया है। और इस वीडियो के जरिए आपको बता दें, वायरल होने के बाद यूक्रेन की सेना पर ऐसा सवाल निशान लगा है कि जंग की हर छोटी छोटी बात पर बयान देने वाले ज़ेलेंस्की भी खामोश हैं। यूक्रेन जंग को जारी हुए 270 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो रूस अपने हमले रोकने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन फौज रूस के सामने झुकने के लिए। लिहाजा यूक्रेन जंग लगातार जारी है। जंग के दौरान पहली बार रूस ने यूक्रेन पर एक संगीन आरोप लगाया है, आरोप उसके निहत्थे सैनिकों के कत्ल का। इससे पहले हम आपको रूस के संगीन आरोप को तफसील से समझाएं, इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि रूस के आरोप की हकीकत इसी वीडियो में छिपी हुई है। बयालीस सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में दो हथियारबंद सैनिक दिखाई देते हैं और उनके पीछे गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसके बाद कैमरा घूमता है और एक तबाह हो चुके घर के आंगन में खड़ी बच्चों की एक लाल रंग की टॉय कार दिखाई देती है। एक सैनिक दबे पांव चलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कैमरा फिर घूमता है तो जमीन पर निशाना लगाए एक सैनिक दिखाई देता है जिसकी जैकेट पर एक पीले रंग की पट्टी लगी है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रही ये यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी है। उसके बाद कैमरा एक सैनिक के चेहरे पर रुकने के बाद फिर उसी सैनिक की तरफ घूमता है जो अब उल्टे पांव धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता नजर आता है। इसके बाद जमीन पर लेटे कुछ निहत्थे सैनिक नजर आते हैं और एक सैनिक हाथ उठाए कैमरे की जद में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह जमीन पर लेट जाता है। इसके बाद कैमरे के लेंस में दो और सैनिक नजर आते हैं जो जमीन पर पेट के बल लेटे बाकी सैनिकों की ही तरह जमीन पर लेट जाते हैं। अब हम इस तस्वीर को फ्रीज कर आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे सैनिकों की गिनती बताए देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इस तस्वीर में जमीन पर लेटे कुल 10 सैनिक हैं। अभी कोई कुछ समझ पाए, कैमरे की जद में एक हथियारबंद सैनिक नजर आता है और फिर कैमरा इस कदर हिलता है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज जरूर सुनी जा सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये वीडियो फुटेज जंग में सरेंडर कर रहे उसके निहत्थे सैनिकों के नरसंहार की है। रूस के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसके 10 सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और ये वीडियो उसी कत्लेआम का है जो कि अब यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। जानकारी के मुताबिक ये घटना यूक्रेन के पूर्वी लुहांस क्षेत्र के माकीवका गाँव के एक घर के आंगन में हुई, लेकिन अभी तक ना तो इस जगह और ना ही वीडियो में दिखाए गए लोगों की पहचान की पुष्टि हो पाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये वारदात 12 नवंबर को या उससे पहले की है। रूस का ये भी आरोप है कि यूक्रेन सेना की 80वीं एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड के सैनिक इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। उग्रोफासिस्टों की 80वीं एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने पकड़े गए रूसी सैनिकों के एक दस्ते को मार डाला। कम से कम 11 लोग मारे गए। कैदियों को गोली मारना किसी भी शासन के लिए एक युद्ध अपराध है।